हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे लिमिट का आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, और मैं इसके लिए यार आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसकी मदद से जो है आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो यार ये जो है ये मतलब वीडियो हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो है हम आपके लिए स्पीड शॉर्ट सीरीज ला चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी स्पीड शॉर्ट सीरीज नहीं देखी है वो तुरंत ही जाके उसे देखे, क्योंकि उसके अंदर हमने काफी सारे ऐसे वीडियोस लाए थे जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके अंदर हमने बताया था कि स्टूडेंट्स कभी कभी यार नॉर्मल अप्रोच की जगह जो है अगर कुछ स्मार्ट मेथड लगाए तो वो क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके बिट सेट एग्जाम, जेई मेन्स एग्जाम, इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसलिए अगर यार वो उन वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत ही जाके देखिए। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन आपका आया था 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 में, और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इसके लिए काफी लंबे वाले अप्रोच से गए थे जो कि था सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो आप जानते हैं यार जब भी इस टाइप के रूट इन्वॉल्विंग फैक्टर्स रहते हैं तो हम रैशनलाइजेशन को यूज करते हैं। तो ये तो यार हमारा हो जाता है नॉर्मल मेथड। अब नॉर्मल मेथड की जगह अगर यार आपको कुछ नया सीखना है तो वो जो है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, तो अपन थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन में जो है मेथड को समझते हैं, देन इस क्वेश्चन में आप खुद ही उसे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यार अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो है ये हमने थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठा लिया है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले उस अप्रोच को हम समझते हैं। तो देखिए जब लिखा है रूट ओवर 1 + x² - √1 - x² / x, अब यहाँ पे एक्स अगर मैं 0 डालू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/0, यानी कि 0/0 फॉर्म है। तो भाई 0/0 फॉर्म में आ गया, तो अब इस लिमिट को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के लिए यार आपने पढ़ा होगा हम क्या करते हैं, रूट ओवर 1 + x² - √1 - x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट ओवर 1 + x² + √1 - x² और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये वाला जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा आगे, तो आगे ये a - b * a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि हो जाएगा हमारा a² - b², यानी कि ये सिंपली हो गया 1 + x² - 1 - x² डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ये हो गया अपना √1 + x² + √1 - x² और यहाँ पे जब हम आगे देखें तो ये जो है 1 और -1 हमारा कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2x², यानी 2x² डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ये सेम जो ये अपना टर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने x और ये एक x कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम 0 डाल दें तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 हो जाता है और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 2। तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 हो गया तो होल टर्म जो है हमारा 0 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से जो है नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा स्मार्ट मेथड। तो स्मार्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एक चीज यार आपको बाइनोमियल के लिए पता होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है 1 + x^n को जो है अपन अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 + nx। किस केस में, जब जो है हमारा x वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा छोटा होता है। तो अगर आप समझे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या है, यानी कि हम x की वैल्यू 0 के बहुत ही पास डाल रहे हैं, मतलब आप ये कह लीजिए 0.00000 और मतलब अच्छे खासे जीरो के बाद जो है 1, इतनी छोटी वैल्यू उसमें डाल रहे हैं, यानी कि वो ऑब्वियसली जो है 1 से काफी ज्यादा छोटी है। तो इस केस में भी तो यार हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूं 1 + x² - √1/2, तो ये हमारा जो है ये सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 + x² / √2। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 - x² / 2। तो आप सिंपली इसको इसी तरीके से लिख दीजिए 1 + x² / 2 - 1 - x² / 2, और एक्स तो जो है सिंपली ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 1 और -1 कैंसिल हुए, ये हो जाएगा हमारा 2x² / 2 which will be equal to x square, तो x² / x और ये हो गया सिंपली x, यानी कि यहाँ पे हम x की जगह जब 0 डालेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 0। देखिए हमें जो आंसर मिला है वो सेम का सेम मिला है, बट यहाँ पे हमने जो है एक शॉर्टर तरीके से किया है। अभी हो सकता है आपको ये चीज लग रही हो कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्टेप्स लगी है, बट अगर हम जो है जेई मेन्स वाला क्वेश्चन देखें ना तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पे जो है हमें 3 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलता है अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते, जबकि अगर आप स्मार्ट मेथड से जाएंगे तो आपको एक स्टेप के अंदर जो है आंसर मिलेगा। कैसे, तो सबसे पहले अगर हम इसको, तो न्यूमरेटर हमारा सिंपली एक्स हो जाएगा
और ये वाले टर्म को इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, वन माइनस साइन एक्स रेज टू पावर वन बाय एट कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एट। तो हम इसे इसी तरीके से लिख देते, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एट, क्योंकि जो अगर मैं यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो करूंगा तो जो हमारा साइन एक्स है वो भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, यानी वो भी वैल्यू जो है जीरो के बहुत ही पास होगी। इसलिए यार अपना वही सिंपली जो बाइनोमियल वाला जो रूल है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वन प्लस एन एक्स। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का रूल यूज किया और ये इस तरीके से आ गया, और इसको हम लिख लेंगे वन और माइनस वन कैंसल हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस टू साइन एक्स बाय एट, विच कैन बी रिटन एज माइनस साइन एक्स बाय फोर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी ये जो न्यूमरेटर में एक्स था उसको यहाँ पे नीचे ले आया। तो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन, ये सिंपली वन हो गया, यानी कि माइनस फोर जो है वो हमारा आंसर। तो एक स्टेप के अंदर जो है हम यार आंसर में पहुंच रहे, ठीक है। यहाँ के आगे के स्टेप्स तो आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, तो यहाँ पे सोचिए आपका कितना ज्यादा टाइम सेव होगा, और इस मेथड को अगर आप लोग प्रैक्टिस में ले आए ना यार, आप अपना जो है बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, और डेफिनेटली यार इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे 2022 में। तो इसी टाइप के यार मैं ट्राई करूंगा और भी स्पीड शॉर्ट सीरीज लाओ, जिससे कि जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प हो। और अगर आप इसी तरीके के और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो यार हमने जो है आपके लिए एक पहले ही कोर्स प्रिपेयर करके रखा है, जेई मेन स्मार्ट कोर्स 2022 विच इज फॉर मैथ्स, तो जिसके अंदर हमने कई तरीके की ट्रिक्स जो है आप लोगों को सिखाई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपकी कंप्लीट थ्योरी का वहां पे रिविजन हुआ है, आपको क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए वो चीजें सिखाई गई है। तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्लस आपको डीपीपीस भी मिलती है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं tenqchallenge@gmail.com, और वहां पे आपको पेमेंट मोड भी पता चल जाएगा, और उसके बाद जो है आप हमसे मटेरियल ले सकते हैं। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। और अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लाए, और हम आपके जेई मेन्स 2022 से पहले इस टाइप के यार काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है हम किसी तरीके से शॉर्टर अप्रोच से सीख सकते हैं, और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।